हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? तो गाइस, इस ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ। अभी बजे हैं शाम के 8 और मुझे पता नहीं था कि कल तीज है, तो अभी पता चला कि कल तीज है, तो मैं लगाऊंगी मेहंदी। ले आए आप मेहंदी? अभी इसे मंगाई थी, बहुत कुछ सामान करके भेजा था, जा नहीं रहे। कहाँ रख दी? काम ही खत्म ना होते इनके। पहले पता होता खाना मैं पहले ही बना देती, मुझे पता ही नहीं था कल थी। आज जुलूस हो गया जल्दी, तो इसलिए मैं मेहंदी लगा दूंगी। वो जल्दी सो गया है, उसकी थोड़ी तबीयत भी डाउन है इस वजह से। पूछूंगी मैं, रोटी बनानी है मेरे को और मेहंदी भी लगानी है साथ में। अभी दिखाऊंगी, ये देखो अभी मैं सिया को दिखा दी कैसे पड़ी है। दोबारा देखो ये कैसे पड़ी है। ये ना मेरा गुड्डू सो लग गया, सो गया। इसकी आवाज़ चेंज हो रही है, रात को ना सोती सोती क्या बोल रही है, सांस नहीं आ रही मुझे। क्या हो गया था रात को? क्या कर रहे हो आप लैपटॉप में? काम ना आप कर रहे हो, बिजनेस का काम। अच्छा आप क्या बोल रहे थे वैसे रात को सोते सोते? आप क्या बोल रहे थे? गाइस ये बोल रही थी कि पापा सांस नहीं आ रही मुझे। क्या बोल रही थी? सांस नहीं आ रही, सांस रुक गई। फिर कैसे सांस आई? पापा ने कैसे सांस दिलाई आपको? हाँ बताओ। हाँ ठीक है, सब चीज आती है लगता है आपको, है ना? इतनी तेज नहीं, खराब हो जाएगा वो। मैं एक क्या सुनाओ? तो फ्रेंड अब मैं सिया के लगाऊंगी मेहंदी। कर दिया, पहली बार मेहंदी लगा रही है। पता है आपको कल क्या आ गया? इसको पता नहीं है कल क्या है, अभी हम इसको बताएंगे। कल पता है आपको क्या है? कल है तीज, इसीलिए आप मेहंदी लगा लें। ठीक है, हम आपको मेहंदी लगा दें, पर धोनी नहीं है सूखने के बाद ही लगवाती नहीं है। एक बार क्या हुआ था, इसकी छोटी सी थी और चोट लगी थी है ना, नहीं जल गई थी, हमने इसके जले हुए पर वो लगा दी, मेहंदी लगा दी। सॉरी रात रो ये हटाओ, तब भी नहीं हुआ था, 4-5 दिन का आता था। क्या बात, मेहंदी करो। इसका इसको देख लो कैसी लगी। कागज नहीं कपड़ा, कागज खराब होगी, टिश्यू पेपर टिशू रखे हैं, टिशू ले आएगी। मैं नहीं लेके आना पड़ा था, डिल्लू जग रहा होता है ना, डिल्लू भी मेहंदी लगवाओ यार, बेचारा सो जाए बेचारा। दीवार तो दीदी ऐसी यही और भी इसमें क्या चीज़ निकल जाएगा इसका।
बताना मम्मा को कैसी मेहंदी आती है हमारी, ठीक है? कहाँ गिरी हुई मिली थी जी? देख लो गाइस क्या बोले बोले, पापा कहीं पड़ी हुई मिली थी क्या आपने की? हाल आए देख ले पापा। अच्छा सी आप पैसे कमा के क्या करोगे? अरे सूट रही है, बताना कितने दिन की धरी थी कि हाँ पाप मेरे को है। प्रिया रे चलो आ रहे देखिए कोई डाइट नहीं है। आसिया पहली बार इतनी खुश होकर मेहंदी लगवाई, नहीं था ना ये रोती रहती है और उसके धक्का मेहंदी लगाते हैं कि ला कर मेहंदी लगा। फिर मैम तो नहीं मारेगी आपकी स्कूल में? बताओ बस पता ना बेटा पापा कैसी मिठा खा रही थी, रास्ते में पड़ी मिल गई थी शादी में मेरे इतनी ताकत लगानी पड़े रही है। हाँ लगा दो फिर पापा लगा दो बेटा मुझे दिए पापा खाना खिला दिए मैं दीदी मेरे मम्मी लगा दी खाना खिला दे बस बच्चे थोड़ी लगवाते हैं ठीक है आप सारी बिस्तर में कर दें ठीक है ऐसे दिखा ऐसे दिखा प्राइस कैसी लगी बताना बस इतनी लगाएंगे तो है ना आप अपने बच्चे हो ना क्या और लगाऊं और लगाऊं अभी आप बिल्कुल छोड़ दिए हो छोटे बच्चे बस थोड़ी सी लगाते मैं आपका नाम ही बोले इतनी सी ठीक है क्या नाम है आपका मैंने इसका नाम लिख दिया ठीक है आप जाओ मम्मा लगा लेना जी ठीक है बाय बिल्लू झगड़ा होता तो वो भी मैं रोटी भी बनानी सर
आसिया रोटी बनाओ बना दे क्यों बना दे रोटी तो आज पापा रोटी बनाओगा ठीक है आज तो बस मैंने मेहंदी लगा ली है ऐसे ही किया आपके लगाई एक ही हाथ के लगा पाई अब क्या करें काम भी करना पड़ता है अब बच्चों के साथ नहीं हो पाता मूड कर लिया लेकिन जैसे भी मेहंदी लगी लगा ली करती अभी तो रोटी भी नहीं बनी और मेरा किचन का इतना गंदा काम हो रहा है पूरा फैला पड़ा है मेहंदी लगा कर बैठ गई हूँ मेरे को मगा मैं धो रही हूँ मेहंदी आपने ये करने के लिए बोला काम भी नहीं किया फिर बोले तू मत धो मैं कर दूंगा बस जल्दी से कर लेती हूँ आज सिया ना पूरा दिन हो गया दूध नहीं किया एक बार उसको दूध दे दूँ तो मेरी तो शायद सो जाएगी रोटी भी नहीं खाई उसने बक्कर बंद होने को कराऊंगी बक्कर बंद करें मैं आप गुस्सा तो देखी हूँ मेरी मेहंदी भी होगी दूध भी खिंड गया आपने वो नहीं करा मैं तो उस वाले टोकरी में धो लियो अच्छे से मैंने ली बनाने तो लग गया मैं बोल रही थी मैं धो रही हूँ मैं ली फाइनली मेरे हस्बैंड काम करने लग रहे और काम करने लगे चावल बनाओ बनाओ आप एक और मैं कुछ काम बंद करके आऊँगा ऊपर ठीक है तो गाइस वो रसोई में चले गए हैं अच्छे से बना ज़्यादा पानी मत चढ़ाइए और वो कर दियो अच्छे से धो हाँ धो कभी कभी तो काम आना चाहिए नहीं चावल रुक गए जाने जो उन्होंने करा था इसे बासमती हाँ बढ़िया बने रहे थे कोई ना मैं आपके लिए इतना मेरी मेहंदी सूख जाएगी रोटी खवा के खुवाऊंगी भूखा ना खुवाऊँ मैंने पता आपने रोटी खाए तो नहीं मेरा आओ भाई हरियाणा वाले ने रोटी चाहिए और कुछ ना चाहिए बस रोटी चाहिए इन्हें ना चावल पसंद बस इन्हें पसंद है रोटी सब्जी सब्जी ना होता तो चटनी हो पर रोटी हो रसगुल्ले खा के भी ना रोटी चाहिए ब्याह की दावत खा कर भी रोटी चाहिए अगर किन्न है कैसे है ना हरियाणा वाले इस अच्छा तो यूपी के लोग ठीक है कि कम से कम चावल का काम तो चला ले मैं अपना हाँ है ना यूपी वाले तो चला ले हैं मैंने चावल मैंने चाव रोटी मैं ये बना रहे हैं पर खाएंगे नहीं चावल देख लियो मेरे को रोटी बनानी पड़ेगी मैं आपको व्लॉग में दिखाती रहूँगी मैंने भी मेहंदी लगा ली मम्मा ने भी मेहंदी लगा ली और आप सो गए थे देखो बेबी अब आप खाना खाओगे आज पापा ने चावल बनाए थे मिट्ठू ओए मिठे अरे भैया एक नूडल्स का पैकेट दे रहा बिल्लू पापा ने चावल बनाए थे अभी लाता हूं सुनता हूं
and send your choice to your operator. क्या हो रहा है ये? दे ये रिमोट दिखा मेरे को. क्या हो रहा है ये? क्या है ये? क्या है? ओए पकड़ लो यार. कभी गिर जाए. हाँ गाइस इसकी मेहंदी देखो. अरे किसका नाम लिखा रहे हो मेहंदी को? पापा बनाएंगे बेटू. मैं बोल रही थी ना गाइस इनका कुछ भी खा ले पर इनको रोटी चाहिए. अभी बोले कि चावल खा लूंगा और बोल रहे कि अब रोटी सिया बनाएगी आज रोटी. मम्मा के हाथ में तो मेहंदी लगी है देखो. कैसे बनाओगे? अच्छा ढिल्लू बनाएगा खाना. ढिल्लू रोटी बना दी है. मम्मा के हाथ में मेहंदी लगी है. पापा मम्मी तो खाएंगे. तो गाइस हाँ रात के बज रहे हैं 12:30 और जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरे को रोटी बनानी पड़ेगी रात को. अभी मैं रोटी बना के आई हूँ और अभी हम सोने वाले हैं. मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, एंड करती हूँ. और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. गुड नाइट, बाय.